कोरोना का जोर टूटने लगा, डेंगू ने सर उठा लिया। लाहौर एक के बाद एक वायरस के नरगे में आया। शहर में 22 डेंगू बुखार के मरीज रिपोर्ट। दाता गंज बख्श टाउन सबसे ज्यादा मुतासर। इंतजामी सतह पर हंगामी सूरत हाल दरपेश। सर्वेलेंस का अमल तेज। शहरियों को डेंगू मच्छर के खिलाफ एहतियाती तदाबीर का मशवरा। गैस्ट्रो वबा शदीद गर्मी में मर्ज फूट पड़ा। 2000 मरीज अस्पतालों में पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड भी भर गए। जगह खत्म होने पर एक एक बेड पर दो दो मरीजों की ट्रीटमेंट। एहतियात का मशवरा। शहर में सूरज राज। तेज धूप, शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक। महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते बारिशों की पेशगोई। आलूदगी बढ़ने पर एयर इंडेक्स में लाहौर का तीसरा नंबर। वैक्सीनेशन ऑपरेशन एक्सपो सेंटर में सानोवैक की वाफर स्टॉक। 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद को डोज लगाने का अमल जारी। बैरून मुल्क जाने के लिए एस्ट्राजेनेका के ख्वाहिशमंदों का भी रश। वैक्सीन न होने पर पीर तक इंतजार का मशवरा। बेशतर को वीजे और टिकट एक्सपायर होने के खदशे ने घेर लिया। माली बहरान उरूज पर अखराजात और अदायगियां चैलेंज। मजीद कर्ज के लिए मजीद कौमी असासे गिरवी रखने का फैसला। 1800 अरब के लिए लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे को भी गिरवी रखा जाएगा। कम शराय सूद अदायगी का प्लान तैयार। विफाकी काबीना आज मंजूरी देगी। लेस्को की निजकारी का अमल शुरू। बिल डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स करने की मंजूरी। साउथ सर्कल पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। टास्क प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट। डिफेंस कोटलक पर गुलबर्ग के इलाकों में बिल निजी कंपनी तकसीम करेगी। शहरियों के लिए बुरी खबर। गैस कीमतों में 37% इजाफे की तैयारी। ओगरा में कंपनी की दरख्वास्त पर समाप्त। रेट बढ़ाने पर एतराजात का अंबार। चेयरमैन ओगरा का जायजा लेकर फैसला करने की यकीन दहानी। कहा कि गैस कंपनी मजीद 28 लाख नए गैस कनेक्शन नहीं दे सकती। शहर की खस्ता हाल सड़कों और अंधेरे रास्तों की सुनी गई। 29 आम शाहराहों को खास बनाने का प्लान। कार्पेटिंग, लेन मार्किंग, फुटपाथ की तजीन और स्ट्रीट लाइट्स बहाल होंगी। 1.5 अरब लागत के मेगा प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई। नए माली साल में लाहौर की लॉटरी खुल गई। एलडीए का 3 मेगा रोड प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। सगिया रोड, बाबू साबू और बरकी रोड की मरम्मत और बहाली पर काम होगा। 1 अरब 40 करोड़ की लागत आएगी। मवेशी मंडियों की नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। रिकॉर्ड आमदनी से पंजाब हुकूमत की बातचीत खुल गई। लाहौर डिवीजन की 31 मंडियां 1 अरब 70 करोड़ में नीलाम। शाहपुर कांसरा में तमाम पुराने रिकॉर्ड पाश। 80 करोड़ में ठेका हुआ। शहरी इंतजामिया में तब्दीली की बाजगश्त। बड़े अहदों पर तकर्रियों और तबादलों की तैयारी। ऐवान वज़ीर आला को सेक्रेटरियों, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की फहरिस्तें फराहम। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तबादले। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव इस्पाह मौसम ओएसटी कमिश्नर साहिबाल नादिर चट्ठा स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ताजुनात। जहूर हुसैन को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला बना दिया गया। असर हयात रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और बाबर बशीर कमिश्नर साहिबाल का इजाफी चार्ज संभालेंगे। शुगर स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ्त। शहबाज शरीफ एफआईए दफ्तर पेश हो गए। इजहार यकजहती के लिए हमजा शहबाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी पहुंची। टेम्पल रोड पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वाटर कैनन भी मौजूद रही। हाई प्रोफाइल पेशी पर ट्रैफिक जाम रहा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा आसिफ के ज़राए आमदन दुरुस्त करार दे दिए। अकाउंट की तफसीलात एफटीएफ में डिक्लेयर हैं। नैब ने असेंबली की तनख्वाहों की तस्दीक। दुबई की तनख्वाहों पर एतराज किया। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर वकील के दलाल मुकम्मल। नैब के वकला कल बहस के लिए तलब।
दो केनाल से बड़े घरों के लिए लग्जरी टैक्स के खिलाफ समाअत। हाई कोर्ट ने शहरियों को भेजे टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। परिकैन से जवाब तलब। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि महकमे एक्साइज को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। महंगाई के दौर में अब सस्ती खुर्दनी अशिया कहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर सन्नाटे। बेशतर रैक खाली। सस्ते आटे और घी की सप्लाई में ताकत। रियायती दालें भी दस्तयाब नहीं। महंगाई मैराथन में चिकन की एक और हाई जंप। 22 रुपए इजाफे से मुर्गी का गोश्त 306 रुपए किलो हो गया। बजट इजलास में अरकान असेंबली की कारकर्दगी मायूस। 371 के ऐवान में से सिर्फ 119 ने बहस में हिस्सा लिया। 252 ने खामोशी की चादर ओढ़े रखी। बहस में हुकूमत के 61, अपोजिशन के 57 अरकान शरीक हुए। अहम अरकान और सूबाई वज़रा ने भी बहस को गैर जरूरी समझा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना के फैलाव में रिकॉर्ड कमी। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 30 केसेस रिपोर्ट। तशवीशनाक मरीजों में भी मुसलसल कमी। वायरस की ताब ना लाते हुए 9 जान से चले गए। कनाडा के लिए परवाजों की बहाली। हफ्तावार 3 परवाजों के लिए बुकिंग का आगाज हो गया। PIA ने 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट की शर्त रख दी। सफर के लिए क्लियरिंग सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। परवाज से पहले क्वारंटीना प्लान से आगाह करने की भी पाबंदी। एमडी कैट का मेरिट रातों रात 26 से 65 कर दिया। मुल्क के मेडिकल तालीमी इदारों को मुनज़्ज़म साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। चीनी आटे और रिंग रोड से बड़ा स्कैंडल जन्म लेने लगा है। फॉर्म के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुलरहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा PMSC की सूरत ना है, लोग मुसल्लत कर लिए गए। सदर पाकिस्तान से नोटिस का मुतालबा। वजीर सनत से मंजूरी मिल गई। टेक्निकल बोर्ड 50% मजामीन का इम्तिहान लेगा। एसोसिएट इंजीनियर कॉमर्स, एड्रेस डिजाइनिंग, मेकिंग, होटल ऑपरेशन और मैट्रिक के तलबा को सहूलत मिलेगी। इम्तिहान के बाद एक और इम्तिहान। बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील कामदारों के लिए इक्विलेंस पॉलिसी नाफिस। डिग्री काबिल कबूल बनाने के लिए इक्विलेंस इम्तिहान की शर्त आयद। AGC ने निसाब तश्कील दे दिया। सात लाख महाना तनख्वाह और मजीद मराहत का मुतालबा। पंजाब काबीना ने वाइस चांसलर्स के लिए स्पेशल अलाउंस की समरी मुस्तरद कर दी। महीने में तनख्वाह के साथ 3 छुट्टियों की समरी भी वापस कर दी गई। तरक्की के निराले अंदाज। ग्रेड 15 के मुलाजिम की ग्रेड 18 में छलांग। लेस्को में नाजायज तरक्की की आग में नाजायज मुनाफत का बड़ा स्कैंडल। 13 साल तक तनख्वाहों बराबर के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए। मामला खुलने पर महकमे ने पेंशन रोक ली। साफ पानी समेत 56 कंपनियों के केस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल की कंपनियों के कानूनी हैसियत पर दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कंपनियां नहीं बन सकती। हुकूमत ने इतनी ज्यादा कंपनियां कैसे बना दी। जाली अदवियात का केस 16 बाद इंसाफ। मुल्जम बरी होने पर सजदे में गिर गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान खाली कराने के लिए झूठे केस में फंसाया। बरी होने वाले इशरत शफीक का इल्जाम। पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए तारीखी सुस्ती का मुजाहरा। फिजिकल इम्तिहान के 5 माह पेशरफ। उम्मीदवारों से तहरीरी और नफ्सियाती इम्तिहान के लिए टेस्ट कंपनी से बिड्स तलब। 6 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मखसूस नशस्तों की तजवीज़। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की नदीम अफजल चंद समेत दीगर रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालफत जमहूरियत की नफी है। डेंगू का खतरा। कोरोना के सबब मुतासरा मॉनिटरिंग की बहाली के लिए कोशिशें। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर का दियो समाज रोड पर DAV हॉस्टल का दौरा। सर्विलेंस का जायजा लिया। अमले को हिदायत दी।
इत्तेफाक स्टील मिल्स, इंफरादियत पहचान, मयार जमानत, 60 सालों से खिदमत नस्बुल ऐन है, जल्द नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। सिटी एट 10 में इत्तेफाक स्टील मिल्स के इब्राहिम तारिक शफी की गुफ्तगू। यूनस खान फिर मिस फिट, पीसीबी से बैटिंग कोच का दो साल मुआहदा एक साल बाद भी ना चल सका। यूनस खान का कौमी टीम की मजीद कोचिंग से इनकार, दीगर जिम्मेदारियों से भी सबकदोश हो गए। कौमी टीम का नया बैटिंग कोच कौन होगा, फैसला दौरा वेस्ट इंडीज से पहले किया जाएगा। और विमेन क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज, स्कॉट्स और स्टाफ के मंथली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, कल स्क्वाड अलसुब बरास्ता लंदन एंटीगा जाएगा।